ओके बेटा। सो आपका जो नेक्स्ट चैप्टर था बेटा, दैट इज मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स। मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ओके बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग जो बात कर रहे हैं प्लांट मॉर्फोलॉजी की बात कर रहे हैं, प्लांट मॉर्फोलॉजी। देखिए बेटा, एक कॉमन सी चीज पहले आप समझना, दो टर्म्स होते हैं, एक होता है मॉर्फोलॉजी One is morphology, second is anatomy. एक मॉर्फोलॉजी है और दूसरा आपका एनाटॉमी है बेटा, ठीक है। प्लांट्स के केस में, एनिमल्स के केस में, किसी भी की भी अगर हम लिविंग्स की बात करें तो ये चीजें यूज होती है, मॉर्फोलॉजी यूज होता है, एनाटॉमी यूज होता है। देखिए मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है बच्चों, दैट इज आउटर कैरेक्टर्स, आउटर कैरेक्टर्स। एंड एनाटॉमी का मतलब होता है बेटा इनर कैरेक्टर्स। नाउ द क्वेश्चन इज कि आउटर कैरेक्टर्स और इनर कैरेक्टर्स क्या। आउटर कैरेक्टर्स बोले तो बेटा जो कैरेक्टर्स आप अपनी नेकेड आई से आराम से देख रहे हो, जैसे अगर हम अपनी बात करें, ह्यूमंस की बात करें, तो बालों का कलर आप बहुत आसानी से देख के बता सकते हो, आंखों का कलर आप देख के बता सकते हो, स्किन कलर देख के बता सकते हो कि पर्सन गोरा है, काला है, सांवला है, ये आप आराम से देख के बता सकते हो, राइट। दीज आर द आउटर कैरेक्टर, दीज आर द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, जो आप अपनी आंखों से देख के आराम से बता सकते हो। ऐसे ही सेम प्लांट्स में, प्लांट्स छोटा है या बड़ा है, दैट इज आप देख के बता सकते हो, उसकी हाइट देख के बता सकते हो प्लांट की, राइट। इसके अलावा उसके फ्लावर के कलर को देख के बता सकते हो, किस कलर का फ्लावर आ रहा है, उसमें फ्रूट्स देख के बता सकते हो कैसे फ्रूट्स हैं, उसके लीव्स देख के बता सकते हो कैसी लीफ है, उसके रूट देख के बता सकते हो। So these are the outer characters, these are the morphological characters. जबकि anatomy की जब हम बात करते हैं तो बेटा we are talking about the tissues. Anatomy में हम लोग किसको देखते हैं बच्चों, we are talking about tissues की बात करते हैं। अब tissues को तो आप ऊपर से देख के नहीं बता सकते ना, मेरी body की tissues के आप देख के बता दो कि आप ऊपर से neck की, हाँ मेरी body में ये tissues हैं, यहाँ यहाँ पर है, मेरे heart के अंदर ये cardiac tissues हैं, बता सकते हो, नहीं बता सकते। उसके लिए आपको dissection करना पड़ेगा, body खोलनी पड़ेगी, तब आप टिश्यूज को देखोगे, तब आप हर्ट को देखोगे, तब आप उसके बाद में बताओगे, राइट। सेम ऐसी एनिमल प्लांट्स में भी होता है। प्लांट्स के अंदर आप बात करते हैं एनाटॉमी की, तो वी आर टॉकिंग अबाउट द टिश्यूज। तो जब आप एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पढ़ेंगे तो वहां आप सारे टिश्यूज के बारे में ही पढ़ेंगे, वहां कुछ और नहीं आएगा, वहां बस टिश्यूज के बारे में डिस्कस करना है वहां पे आप। लेकिन जब आप मॉर्फोलॉजी की बात करेंगे प्लांट्स में, तो किसकी बात कर रहे हैं बेटा, वी आर टॉकिंग अबाउट आउटर कैरेक्टर्स, बोले तो उसकी स्टेम, उसकी रूट, उसकी लीव्स, उसके फ्रूट्स, राइट। ये सब चीजें आप देख के बताओ कि ये क्या हो गए उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। तो सबसे पहले बच्चों, मुस्कान, सपना, चंदा, बेटा मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी में डिफरेंस समझ में आया आपको? यस सर। है ना, तो अब हम बात कर रहे हैं मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स। बेटा फ्लावरिंग प्लांट्स कौन से थे आपके, अभी हमने प्लांट किन्हें कंप्लीट किया था? तो एंजियोस्पर्म। वेरी गुड। हमारे फ्लावरिंग प्लांट क्या है बेटा, दैट इज ओनली वन, एक ही प्लांट्स कैटेगरी थी जिसमें फ्लावर आ रहे हैं। आपके फ्लावरिंग प्लांट क्या है, सिर्फ एंजियोस्पर्म है। यानी इस चैप्टर के अंदर आप क्या पढ़ोगे, केवल एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ोगे। आपने थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टाइडोफाइट, जिम्नोस्पर्म जो आपने पढ़े थे प्लांट किंगडम में, उनमें से कुछ नहीं पढ़ना है यहाँ पर, उनमें से कुछ नहीं आएगा यहाँ पे। यहाँ केवल किसके बारे में डिस्कस करना है हमें, एंजियोस्पर्म के बारे में। हमने देखा था पहले आपके थैलोफाइट आए थे, राइट। हम एक सीक्वेंस फिर से बनाते हैं। हमने सबसे पहले जब प्लांट किंगडम कंप्लीट किया था तो हमने क्या देखा, सबसे पहले थैलोफाइट बने थे। थैलोफाइट में सबसे पहले बेटा कौन से बने आपके, ग्रीन एल्गी, फिर इनसे आगे चल के डेवलप हुए ब्राउन एंड रेड एल्गी, राइट। ये डेवलप हुए इनसे, फिर इनसे आगे चल के क्या डेवलप हुए बच्चों आपके, ये तो थे आपके थैलोफाइट। थैलोफाइट में पहले ग्रीन एल्गी आए, ग्रीन एल्गी के बाद ब्राउन और रेड एल्गी बने, ठीक है बेटा। फिर इनसे आगे चल के क्या बने थे हमारे, ब्रायोफाइट, व्हिच इज कॉल्ड एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, पढ़ा था ना हमने ये वाली बात। ये आपके ब्रायोफाइट आए थे बेटा, है ना।
फिर इन ब्रायोफाइट से आगे चल के आपके क्या डेवलप हुए, टेरिडोफाइट, जिनमें की सबसे पहले ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीफ आए थे। और इसके अलावा वैस्कुलर बंडल्स की फॉर्मेशन भी सबसे पहले किसमें हुई, टेरिडोफाइटा में, यानी जाइलम फ्लोएम भी आपके टेरिडोफाइट से बने। फिर हमने इसके बाद देखा जिम्नोस्पर्म, हमने इसके बाद क्या देखा बच्चों, जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में क्या था, नेकेड सीड था, इनमें सीड बन चुके थे, टेरिडोफाइट में सीड नहीं थे लेकिन इनमें सीड थे जिम्नोस्पर्म में, नेकेड। और उसके बाद आए एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म इकलौते ऐसे प्लांट्स थे बेटा जिनमें क्या डिफरेंट था, जिनमें फ्लावर थे। क्या फ्लावर इससे पहले हमने किसी प्लांट में पढ़े थे, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट, थैलोफाइट, कहीं पे भी हमने फ्लावर का डिस्कस किया था क्या? कहीं पे नो सर, नहीं किया था ना। तो आपके कैरेक्टरिस्टिक फीचर एंजियोस्पर्म की क्या हुई थी, दे हैव अ फ्लावर, एंड इसके अलावा इनमें फ्रूट्स भी बन रहे थे क्योंकि इनमें ओवरी थी, जिम्नोस्पर्म के अंदर ओवरी भी नहीं थी तो वहां फ्रूट भी नहीं थे, तो इनमें आपके फ्लावर भी आ गए थे और साथ में इनमें क्या डेवलप हो गए, फ्रूट। अब एक बात आप ध्यान से समझ, जैसे एनिमल किंगडम में आप बात करते हैं तो सबसे ज्यादा वेल डेवलप्ड एनिमल कौन से हैं जो इस प्लेनेट पे आज की डेट में राज कर रहे हैं? मैमेलियन। मैमेलियंस में कौन बेटा? ह्यूमन। वेरी गुड, आपके ह्यूमन है, हम सभी तो है जो राज कर रहे हैं धरती पे हमारा, राइट। इसी तरह से आपके प्लांट्स में सबसे वेल डेवलप्ड प्लांट्स कौन से बोले जाएंगे बच्चों? दैट इज एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म, सपना एंड मुस्कान बेटा, करेक्ट बेटा। प्लांट्स में सबसे ज्यादा आपके डेवलप कौन है आज की डेट में? एंजियोस्पर्म है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा एडेप्टेशन शो करते हैं। दो कैरेक्टर्स तो आपको साफ दिख रहे हैं कि इनमें फ्लावर्स और फ्रूट्स हैं तो डेवलप है, लेकिन डेवलप करने के लिए बेटा एक चीज चाहिए और वो है अडेप्टेशन। अडेप्टेशन बोले तो अपने आप को अपनी कंडीशंस के अकॉर्डिंग ढालना, जैसी एनवायरमेंटल कंडीशंस हो उसके अकॉर्डिंग खुद को ढाल लेना। तो ये अडेप्टेशन सबसे ज्यादा अगर किसी में दिखता है आज की डेट में तो वो एंजियोस्पर्म्स में दिखता है। ये एंजियोस्पर्म्स आपको डिजर्ट में मिलेंगे, जैसे कि कैक्टस, कैक्टस जो है फ्लावरिंग प्लांट है और एंजियोस्पर्म में आता है, उसमें फ्लावर आते हैं, राइट। ये आपको डिजर्ट में मिल रहा है, तो वही आपको ऐसे एंजियोस्पर्म्स मिल रहे हैं जो आपको एक जंगल में मिलेंगे, यानी ये हर तरह के एनवायरमेंट में रह रहे हैं, अपने आप को अब रह रहे हैं भाई, सीधी सी चीजें, इन्होंने अपने आप को उस कंडीशन के अकॉर्डिंग ढाला है तभी तो रह रहे हैं, राइट। जो नहीं ढाल पाते, जो अडप्ट नहीं कर पाते उन कंडीशंस को, वो नहीं सर्वाइव कर पाते, और जो अपने आप को रहने के लिए, अपने आप को बनाए रखने के लिए अडप्ट कर रहे हैं उस कंडीशंस को, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग खुद को डाल रहे हैं, वो क्या है, दैट इज वेल डेवलप होंगे। फिर बात समझ में आई मेरे बच्चों तीनों को? यस सर। चलो तो अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर। आपको मैंने एक जनरल इंट्रोडक्शन समझा दिया, नाउ अब हम स्टार्ट करेंगे मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट है तो यानी सिर्फ एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं। तो बेटा सबसे पहले तो हम एक चीज देखना चाहेंगे यहाँ पे आपको, सबसे पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगा इस चैप्टर में, आप क्या क्या पढ़ेंगे। एक मिनट, कुछ हो रहा है सिस्टम।
ओके बेटा, ये डायग्राम आप सभी को दिख रहा है, एक सेकंड, एक कौन सा डायग्राम, ठीक है बेटा। अब ये डायग्राम जो मैंने आपको यहां बना के दिखाया है ना, इस डायग्राम को ध्यान से समझना, मैं सारी आपको समरी इसी डायग्राम में दूंगा इस चैप्टर की। ओके बेटा, ये डायग्राम सबको साफ क्लियर नजर आ रहा है? Yes, ठीक है बच्चों। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जब प्लांट्स की बात करते हैं बेटा, तो यहाँ पे दो चीजें आती हैं। एक आपका जो आता है दैट इज, सबसे पहले तो इसका शूट पार्ट और एक इसका रूट पार्ट। तो ये जो नीचे का पाप पोर्शन होता है बेटा, दैट इज देयर रूट सिस्टम। एक प्लांट का ये होता है उसका रूट सिस्टम, इट इज द रूट सिस्टम। एंड इसके ऊपर का जो ये पार्ट होता है बेटा, दिस इज कॉल्ड बेटा देयर शूट सिस्टम, शूट सिस्टम। शूट सिस्टम मतलब बेटा, शूट का मतलब होता है स्टेम, दैट मीन्स स्टेम। तो हम जब प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी की बात करेंगे तो यहां पे दो चीजें देखेंगे आप, इसका रूट सिस्टम देखेंगे, दूसरा इसका शूट सिस्टम देखेंगे। पहले हम रूट सिस्टम की बात करते हैं। फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द रूट सिस्टम। बेटा यहां पे आप जो देख रहे हो, ये जो मेन रूट दिख रही है मोटी सी रूट, ये होती है इसकी प्राइमरी रूट। जो एक मोटी सी रूट आपको दिखाई दे रही है ना, दिस इज कॉल्ड देयर प्राइमरी रूट, दैट इज कॉल्ड ऑल्सो टैप रूट। इसी को हम लोग बोलते हैं टैप रूट, जो मोटी सी रूट होती है। और इस मेन रूट से, ये आपकी प्राइमरी रूट क्या होती है, दिस इज मेन रूट, यही मेन है, दिस इज मेन रूट। और बेटा इसी मेन रूट से फिर डेवलप होती है और दूसरी रूट, जिस इसको हम कहते हैं लेटरल रूट। लेटरल रूट जो आपकी क्या हो रही है, प्राइमरी रूट से डेवलप हो रही है। यू कैन सी हियर, आप देखोगे इसमें, ये आपकी मेन रूट है मोटी सी, और इसमें से ये छोटी छोटी रूट्स डेवलप हो रही हैं, और इन्हीं छोटी छोटी रूट्स में से फिर आपके देखोगे तो रूट हेयर्स, यानी कि बहुत महीन महीन से रूट जैसी स्ट्रक्चर, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होंगी। इस तरह से देख रहे हैं आप, ये चीजें रेड कलर से जो मैं दिखा रहा हूं आप, ये इसी से डेवलप हो रही है। दिस इज हाउ, राइट, लाइक दिस। अब ध्यान से समझना जो मैं आपको बता, आपके रूट में सबसे मेन रूट कौन सी होती है पहले बेटा, दैट इज प्राइमरी रूट। इस प्राइमरी रूट का क्या नाम होता है, दैट इज कॉल्ड टैप रूट, ये आपकी मेन रूट हो गई। देन इसके बाद बेटा, इसी मेन रूट में से और छोटी छोटी रूट्स डेवलप होती है, जिनको हम कहते हैं लेटरल रूट्स। ये लेटरल रूट्स जो होती है बेटा, दैट इज आल्सो कॉल्ड सेकेंडरी रूट्स। आपकी सेकेंडरी रूट्स जो होती हैं, टर्शियरी रूट्स जो होती हैं, ये सारी की सारी आपकी लेटरल रूट्स कहलाती हैं। तो लेटरल रूट दैट विल इन्वॉल्व, इसमें क्या जाएंगे, आपकी सेकेंडरी रूट। सेकेंडरी रूट कौन सी, जो आपकी प्राइमरी रूट से निकल रही है, प्लस टर्शरी। टर्शरी कौन सी, जो सेकेंडरी रूट से निकलेंगी।
टर्शरी रूट और कुछ नहीं होते बेटा, एक्चुअल में ये आपके रूट हेयर्स होते हैं, दीज आर द रूट हेयर्स जो आपको ये दिखा रखे हैं, ये आपके क्या है, दैट इज टर्शरी रूट। तो बेटा पहले आपको सबसे पहले रूट सिस्टम समझ में आया, रूट सिस्टम में क्या होगा आपका, एक मेन रूट होगी, उस मेन रूट में से और छोटी और ब्रांचेस निकल रही होंगी जिसको हम कहेंगे लेटरल रूट्स या सेकेंडरी रूट्स, और इनमें से फिर रूट हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स निकल रही होंगी जिनको हम कहेंगे रूट हेयर्स। क्लियर बात मेरी बच्चों? चंदा सर, yes, आप yes, बोलो। मुस्कान क्या कह रहे हो बेटा? यस सर क्लियर है। सपना बेटा क्लियर हुआ ना ये वाली बात आपको? यस सर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक चीज और मैं ऐड कर रहा हूँ, पहले समझा हमने बेटा मुस्कान एंड चंदा बाकी बच्चों, जब हमने प्लांट किंगडम पढ़ा था एंजियोस्पर्म, तो आपको हमने वहां क्या बताया था, आपका एंजियोस्पर्म में क्या था, एक ओव्यूल होता था एक ओवरी होती थी, बताई थी ये चीज? यस सर। ओव्यूल किसमें डेवलप होता था फर्टिलाइजेशन के बाद? सीड। सीड में, और सीड से क्या बनता था आगे चल के, ये सीड जर्मिनेट करके क्या बनाएगा, न्यू प्लांट बॉडी बनाएगा, न्यू प्लांट बॉडी, यस सर, एक नया प्लांट बनाएगा छोटा सा। सीड से क्या बनता है, आम का पेड़ लगाते हो तो क्या आम का पेड़ लगाते हो, या आम के जो no. बीज होते हैं वो लगाए जाते हैं, बीज लगाते हैं ना, उसमें से फिर सीड बन, सीड डेवलप होता है, जब अच्छे से जर्मिनेट हो जाता है तब उसमें से एक नया प्लांट बनता है, होता है कि नहीं होता? तो ये नया प्लांट बॉडी जो बन रही थी, न्यू प्लांट बॉडी, इसको मैंने क्या बोला था, स्पोरोफाइट। बात समझे ना चंदा मुस्कान बेटा? यस सर। यस सर। सपना बेटा ये चीज ध्यान से समझता, आपका फर्टिलाइजेशन जहां, ये चीज हम लोग पहले चैप्टर में पढ़ चुके थे प्लांट किंगडम में, बच्चों को मैंने एंजियोस्पर्म के बारे में वहां इंट्रोडक्शन दिया था, तो समझा दिया था कि फर्टिलाइजेशन जब होता था तो ओव्यूल जो होता था सीड में बदलता था, ओव्यूल से सीड बना और सीड से आपका एक नया प्लांट बन जाता था जिसको मैं क्या कह रहा हूँ, स्पोरोफाइट बोलता था, राइट, दैट इज स्पोरोफाइट। ऐसी आपकी ओवरी जो होती थी बेटा, ये किसमें डेवलप हो जाती थी, फ्रूट में डेवलप। बस यहां अभी हमें जो समझना है वो सीड वाला कंसेप्ट समझना है। अब बेटा आपका जो सीड होता है ना बच्चों, इस सीड के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है रेडिकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपको, पूरी चैप्टर की समरी समझा रहा हूं आज मैं, एक होता है रेडिकल, एक होता है बेटा प्लूम्यूल, वन इज कॉल्ड रेडिकल, सेकंड वन इज कॉल्ड प्लूम्यूल, ये इसके दो पार्ट है हर एक सीड के, जैसे सीड बनाया मैंने, ठीक है, ये मैंने सीड बनाया, दिस इज अ सीड, तो इसमें सीड में क्या होगा बेटा, एक तो इसका प्लूम्यूल होगा, एक इसका रेडिकल होगा। सपोज करो यहाँ पे ये जो पोर्शन है ये मैंने दिखा दिया रेडिकल, और ये ऊपर वाला पोर्शन जो दिखाया ये दिखाया मैंने, दैट इज प्लूम्यूल, रेडिकल और प्लूम्यूल दिखाया। आपके रेडिकल से हमेशा क्या डेवलप होगा बेटा, रूट डेवलप होगा, और प्लूम्यूल से हमेशा क्या डेवलप होगा, शूट, शूट बोले तो क्या, स्टेम डेवलप। बात समझे बच्चों? हमने ये क्या देखा अभी, आपका सीड जो होता था यही तो नया प्लांट बॉडी यानी स्पोरोफाइट बना रहा है, यही जर्मिनेट होकर एक नया प्लांट बना रहा है। तो बेटा जब प्लांट बनेगा तो उस प्लांट के अंदर सबसे पहले क्या डेवलप होंगे, उसकी रूट और एक छोटा सा शूट डेवलप होगा। तो ये दोनों चीजें आपके सीड से ही तो बन रही है, और जब सीड से बन रही है, ओके, जब सीड से बन रही है तो बेटा कैसे है आपकी, आप सीड के अंदर जो रेडिकल है वो क्या बनाएगा, रूट, और प्लूमुल जो है वो क्या बनाएगा, शूट। याद रखने का तरीका, कंफ्यूज ना हो, आर दैट विल फॉर्म आर, आर आर, आर का मतलब क्या होगा, एक का मतलब होगा रेडिकल, दूसरा आर का मतलब क्या होगा, दैट इज रूट, और प्लूमुल क्या बनाएगा फिर, शूट बनाएगा। इज इट क्लियर मुस्कान, सपना, चंदा, बाकी बच्चों को? यस सर। ठीक है ना, इस बात को ना मार्क कर लो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नीट में क्वेश्चन आता है, इस चीज को मार्क कर लें आप लोग सभी। तो आपका यहाँ पे जो रूट सिस्टम और शूट सिस्टम आप देख रहे हो, ये अल्टीमेटली किससे बन रहा है, रूट और शूट, आपके सीड से बन रहा था, और सीड कैसे बना बेटा, ये बना आपके ओव्यूल से आफ्टर फर्टिलाइजेशन, और ये ओव्यूल पहले से ही प्रेजेंट होता है फीमेल के एम्ब्रियो सैक में, हमने देखा था ओव्यूल क्या है, दैट इज योर एग सेल,
तो ये मैंने आपको जो चीज बताई ये अब आपके समझ में आ चुकी होगी। आपका रूट सिस्टम जो होता है बेटा, ये रूट सिस्टम क्या है आपका, दैट इज टैप रूट है एक मेन रूट, उस मेन रूट में से बहुत सारी रूट्स निकल रही है, दैट इज कॉल्ड लेटरल रूट्स, इन्हीं को दूसरा नाम दिया जाता है, ये सेकेंडरी रूट्स होती है, और टैप रूट को बोलते हैं प्राइमरी रूट, ये मोटी होगी ठीक है, और इन्हीं से काफी सारी पतली पतली रूट्स निकल रही हूँ, और उन सेकेंडरी रूट में से और छोटे रूट हेयर्स निकल रहे होंगे। रूट हेयर्स क्या करेंगे बच्चों, ये आपके जो रूट्स हैं उसके सरफेस एरिया को बढ़ाएंगे, ताकि रूट्स ज्यादा से ज्यादा पानी और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर सके। बात समझ में आई, रूट हेयर का काम क्या होगा, दैट विल इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ रूट टू एब्जॉर्ब मोर वाटर एंड मिनरल्स। क्लियर बच्चों, रूट हेयर का काम समझ में आ गया, आपके रूट का काम तो आपको समझ में आता ही है, रूट का काम क्या होता है बच्चों, ये तो आपने पहले भी पढ़ा होगा, समझते होंगे रूट का काम क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, है ना, रूट आपके जमीन के नीचे से क्या निकाल रही है, पानी को एब्जॉर्ब कर रही है, उस पानी के साथ साथ जो मिनरल्स है उनको एब्जॉर्ब कर रही है। तो रूट में ये एब्जॉर्प्शन का काम एक्चुअल में कौन कर रहा होता है, रूट हेयर्स करते हैं। तो जितने ज्यादा रूट हेयर्स होंगे आपके रूट का सरफेस एरिया भी उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा, वो उतना ही ज्यादा पानी और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते चले जाएं। क्लियर बच्चों, ये रूट टिप और रूट कैप, जब मैं रूट के बारे में डिटेल में समझाऊंगा वहां बताऊंगा, क्योंकि यहाँ काफी सारी चीजें आएंगी, तो इनको मैं अभी यहाँ नहीं समझाऊंगा, यहाँ केवल मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ रूट सिस्टम। तो अब आपको ये समझ में आ चुका है कि व्हाट इज रूट सिस्टम। अब इसी तरह से दूसरा पार्ट क्या था इसका, शूट। शूट किससे डेवलप हो रहा था बेटा, अभी हमने देखा प्लूम्यूल से, दैट इज डेवलप फ्रॉम प्लूम्यूल, और रूट किससे डेवलप हो रही थी आपके, दैट इज डेवलप फ्रॉम रेडिकल। तो अब आपका जो प्लूम्यूल था वो क्या बना रहा है, ऊपर चल के शूट बना रहा है। तो ये ऊपर की तरफ का पोर्शन क्या दिखाया है, शूट, नीचे का पोर्शन क्या है, दैट इज रूट। जमीन के नीचे का पोर्शन होता है आपका, दैट इज रूट, और जमीन के ऊपर का पोर्शन, दैट इज शूट, जो आप देख सकते हैं, ये सारे कैरेक्टर्स आप देख सकते हैं। तो यहाँ आपके ग्राउंड टिश्यू आ गए, ग्राउंड टिश्यू को अभी आप स्किप कर दो, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था जब हम टिश्यू की स्टडी करते हैं तो वो क्या कहलाता है, एनाटॉमी की मॉर्फोलॉजी। अभी हमने देखा था, मैंने आपको मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी समझाई थी, जब मैं टिश्यू की स्टडी करूंगा तो वो किसमें आएगा बच्चों, बताओ कोई, एनाटॉमी। तो इसलिए स्किप कर दो इसको, यहाँ पे आपको यहाँ अभी इसकी पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम ये एनाटॉमी में समझेंगे। सेम ऐसे यहाँ वैस्कुलर टिश्यूज आ रहे हैं, तो इनको भी आप अभी यहाँ पे स्किप कर दें, अभी हम केवल मॉर्फोलॉजी की बात करेंगे। राइट नाउ वी विल जस्ट डिस्कस अबाउट द मॉर्फोलॉजी कि भाई आपका क्या क्या है, तो मैं इसको यहाँ पे स्किप कर दे रहा हूँ, ये अलग हट गया और इसको भी अलग हटा दिया, टिश्यूज यहाँ इनकी जरूरत नहीं है अभी आपको, ठीक है। सीड जो होते थे ये आपको पता ही है, फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद इनसे आगे चल के क्या बनेंगे, आपके सीड से ही नए प्लांट्स बनेंगे, तो इनको भी यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं। अब जो चीजें मैं आपको समझाऊंगा वो ध्यान से सुनना, एपिडर्मिस, दैट इज अ नेम ऑफ लेयर, इसको अभी रहने दो यहाँ पे। अब जो ये बाकी नाम है ना इनको समझो, ये आपको समझने हैं सारे। चलो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे आपके लीफ, तो यहाँ आपको लीफ दिखेगी जो आपकी मॉर्फोलॉजी में आती है, ठीक है बच्चों, अब इसको एक ध्यान से समझना। ओके अब एक चीज देखो, आपकी जो लीफ होती है बेटा, ये आप देख रहे हो मेन स्टेम से जो डेवलप हो रही है, जहां से ये डेवलप होती है, ये वाला पोर्शन देख रहे हो, ये वाला, ये जो डेवलप हो रही है, ये रेड कलर से जिसको मैंने मार्क किया है, देख रहे हो, ये दिखा रखा है, ये ऐसी, ये मेन स्टेम से आपकी जो ब्रांच डेवलप हो रही है जिसपे की लीव्स आ रही है, तो वो जो पार्ट होता है जहां से आपकी लीफ डेवलप हो रही होती है, या मेन ब्रांच, आपकी ब्रांच जो होती है वो डेवलप होती है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, दैट इज कॉल्ड नोड। क्या कहते हैं इसको हम लोग, नोड। समझ में आया नोड क्या होता है, फिर से समझाऊं, चंदा, मुस्कान सर, एक बार और समझा दीजिए। ठीक है, एक बार और बता रहे हैं, इस डायग्राम को मैं यहाँ थोड़ा सा समझा रहा हूँ, ये आपका मेन स्टेम, ठीक है, इसको यहाँ से थोड़ा सा देख, इस मेन स्टेम से यहाँ से एक छोटी सी ब्रांच डेवलप,
ठीक है बेटा, और इस ब्रांच पे क्या आगे डेवलप हुई, इसी से क्या बन गया आपकी लीफ बन गई, ये बन गई लीफ, दिस इज अ लीफ। ठीक है, तो ये जो पार्ट होता है ना बेटा, ये वाला जहां से आपका ये डेवलपमेंट हो रहा है लीफ का मेन स्टेम से, दिस इज कॉल्ड नोड। क्या बोलते हैं बेटा हम इसको, नोड बोलते हैं। समझ में आया आपको अब नोड क्या होता है? यस सर, समझ गया सर। चंदा बेटा आपको भी? यस सर। ओके, एचपी जो है बेटा, सपना बेटा आपको भी क्लियर हो गया ना? ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। बेटा सपना बेटा आपका ना नेटवर्क इशू हो रहा है, तो आपसे जब भी मैं कुछ पूछूं ना आप मुझे बस थम्स अप कर देना, सफिशियंट है, आई विल, मैं समझ जाऊंगा आपको आगे। चलो तो बेटा ये हो गया आपका नोड। ऐसी एक और नोड यहाँ दिखा दिया मैंने आपके, क्योंकि मेन स्टेम में कोई एक नोड तो होगा नहीं, बहुत सारी जगह होती है जहां से लीफ्स डेवलप हो रही होती है, तो हर एक जगह को क्या बोलेंगे हम, नोड बोलते हैं। जैसे एक ये रहा नोड, दिस इज ऑल्सो नोड। ठीक है बेटा, अब दो नोड्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, ये दो, एक नोड ये रहा, एक नोड ये रहा, इन दोनों के बीच की जो ये स्पेस है या इनके बीच का जो ये डिस्टेंस होता है बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरनोड। आप समझ में आया व्हाट इज नोड एंड व्हाट इज इंटरनोड, इज इट क्लियर बच्चों? दो नोड्स के बीच की जो जगह है, दो नोड्स के बीच के जो स्पेस है, दैट इज कॉल्ड आपका इंटरनोड। और नोड वो पार्ट जहां से कि आपका लीफ मेन स्टेम से डेवलप हो रही है या कोई ब्रांच डेवलप हो रही है। अब ये जो नोड होती है बेटा, इस डायग्राम में आपको समझ में आ चुका होगा, नाउ यू गॉट माय पॉइंट, इस नोड को, ये नोड और ये नोड दोनों समझ में आ चुकी होंगी, ये और ये, इंटर नोड क्या है और नोड क्या है, ये समझ में आ चुका होगा आपको, राइट? ये देखो आपको यहाँ इंटर नोड भी दिखा रखा है डायग्राम में साफ, दो नोड के बीच का जो ये डिस्टेंस है, दो ये जगह है, दैट इज इंटर नोड। एनी डाउट? नो सर। ठीक है, अब बेटा ये जो आपके नोड्स होते थे ना, इन नोड्स पे एक बर्ड प्रेजेंट होती है, दे हैव अ बर्ड्स, इन नोड्स पे एक बर्ड होती है, मैं ये बर्ड दिखा दूं आपको, हाँ ये दिखा दी, ये से ये बर्ड दिखा दी, यहाँ पे ये बर्ड दिखा दी, ऐसे यहाँ बर्ड दिखा दी, ये नोड्स पे प्रेजेंट होती है बेटा। इन बर्ड्स को हम लोग बोलते हैं आपकी एक्सिलरी बर्ड, दीज आर कॉल्ड एक्सिलरी बर्ड्स। ठीक है, क्या बोलते हैं बच्चों हम, एक्सिलरी बर्ड्स, या इन्हीं का दूसरा नाम होता है लेटरल बर्ड्स। इन नोड्स पे एक्चुअल में ये बर्ड्स होती हैं और इन्हीं बर्ड्स से आपकी लीव्स डेराइव हो रही होती हैं, डेवलप हो रही होती हैं। तो अब समझ में आ गया नोड्स पे भी क्या है आपकी, बर्ड्स हैं, दैट इज एक्सिलरी बर्ड्स, या उनका दूसरा नाम लेटरल बर्ड। लेटरल का मतलब नीचे की साइड, पीछे की तरफ, तो ये बर्ड्स आपकी नीचे की तरफ होती है प्लांट्स में स्टेम्स पर, तो इसलिए मैंने इनको क्या बोला, लेटरल बर्ड्स या एक्सिलरी बर्ड, विच विल डेवलप आर न्यू लीव्स। क्लियर बच्चों? मुस्कान, चंदा, सपना, सभी को? यस सर। मुस्कान बेटा? यस सर। गुड, तो ये चीज आपको, ये टर्म्स ध्यान रखने, क्योंकि हम इन्हीं को ही पढ़ेंगे आगे, जब पढ़ेंगे ये सारी चीजें आएंगी जब मैं चैप्टर को डिटेल में पढ़ाऊंगा। अब इसके बाद आपका आता था बेटा, ये देखो आपको यहाँ पे ये दे रखा है ना लेटरल बर्ड, नाउ यू गॉट माय पॉइंट। लेटरल बर्ड का मतलब क्या होगा बच्चों, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड योर एक्सिलरी बर्ड्स, जिससे कि आपकी नई लीव्स डेरिवेट होंगे, दिस इज कॉल्ड एक्सिलरी बर्ड। ठीक है बेटा, ये आपकी एक्सिलरी बर्ड होगी। ऐसे ही एक बर्ड होती है जो सबसे प्लांट टिप पर प्रेजेंट होती है, ये है शूट टिप। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा टिप, शूट टिप जो होती थी फोटोट्रॉपिस शो करती है, ये पढ़ा था ट्रॉपिक मूवमेंट, याद है? चंदा, मुस्कान, सपना, बच्चों आप लोगों ने 10th क्लास में ट्रॉपिक मूवमेंट पढ़ा था, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर था आपका एक, उस चैप्टर में आपको प्लांट्स के मूवमेंट बताए थे, तो वहां पे आपका ये शूट टिप थी। शूट टिप का मतलब क्या होता है बेटा, दैट इज अ टिप ऑफ अ प्लांट। जैसे सपोज करो ये मेरे पास मार्कर जो है, ये मेरे पास मार्कर है, दिख रहा है आप सर, यू कैन सी दिस इज अ मार्कर। अब ये जो मार्कर है बच्चों मेरा, इसका ये जो पोर्शन दिखा रहा हूँ, ये मेरा टिप है प्लांट, समझ करो ये प्लांट का स्टेम है और ये इसका टिप है सबसे ऊपर, जो अपनी फिंगर से पॉइंट कर रहा हूँ, दिस इज अ टिप पोर्शन।
तो सेम ऐसे ही आपके प्लांट में भी क्या होता है, सबसे ऊपर का जो पोर्शन होता है ये क्या कहते हैं हम, उसको शूट टिप कहते हैं। क्लियर बात मेरी? यस सर। इस टिप में बेटा कौन सी बर्ड प्रेजेंट होती है? यहाँ पर भी बर्ड है, दे हैव ऑल्सो अ बर्ड, लेकिन ये सबसे ऊपर प्रेजेंट है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एपिकल बर्ड। एपिकल का मतलब होता है बेटा सबसे ऊपर, टॉप पे। एपिकल का मतलब क्या होता है, टॉप पर। लेटरल का मतलब क्या होता है, नीचे। सो इसलिए इनके पोजीशन के हिसाब से इनका नाम दे दिया। बर्ड एक ही है लेकिन एक बर्ड जो टिप पर प्रेजेंट है, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एपिकल बर्ड, और जो बाकी बर्ड्स हैं वो इसके नीचे स्टेम्स पर प्रेजेंट है, नोट्स पर। सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एक्सिलरी बर्ड या लेटरल बर्ड। इज इट क्लियर नाउ बच्चों? यस सर। मुस्कान? ओके सपना बेटा, गुड। मुस्कान बेटा क्लियर? यस सर। गुड। तो ये बेटा मैंने आपको शूट सिस्टम और रूट सिस्टम समझा दिया। आपका शूट और रूट किससे डेवलप होगा, सबसे पहले ये बताओ मुझे। रूट रेडिकल और शूट प्लूम्यूल। शूट किससे डेवलप होगा? प्लूम्यूल से डेवलप होगा। प्लूम्यूल्स। गुड बेटा। तो दिस इज योर प्लांट मॉर्फोलॉजी। अब आपको यहाँ समझ में आ चुका होगा क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या समझना है आपको। यहाँ पे ये रूट, स्टेम और लीफ, इनके बारे में पढ़ना है, इनके टाइप्स पढ़ने हैं। क्लियर बच्चों ये वाली बात? यस सर। यस सर। अब मॉर्फोलॉजी तो समझ में आ गई आपकी कि मॉर्फोलॉजी क्या है। मॉर्फोलॉजी में लीव्स भी जो होती है बेटा, याद है मैंने आपको लीव्स में जब हम प्लांट किंगडम पढ़ रहे थे तो मैंने वहां एंजियोस्पर्म में बताया था दो तरह की क्लास थी, एक डायकॉट एक मोनोकॉट। डायकॉट में मैंने लीव्स का पैटर्न बताया था, कैसी लीव्स थी वहां पर, वेनेशंस बताया था। वेनेशन बोले तो दैट इज अरेंजमेंट ऑफ वेन्स, तो याद हो तो मैंने आपको वहां पर लीव्स बताई थी डायकॉट में, दैट इज रेटिकुलेट लीव्स होती थी, रेटिकुलेट वेनेशन था। एंड मोनोकॉट के अंदर पैरेलल वेनेशंस था, राइट? यस सर। दे हैव अ पैरेलल वेनेशन। अब यहां पे आप लीव देख रहे हो तो लीव देख के आपको समझ में आ रहा होगा ये लीव का वेनेशन कैसे दे रखा है। चंदा बेटा रेटिकुलेट पैरेलल है, रेटिकुलर, रेटिकुलेट, गुड। तो दैट इज, ये कैसा प्लांट है आपके यहाँ पे डायग्राम में? डायकॉट। पास हो जाए, दैट इज गुड बच्चे, गुड। सपना बेटा ये चीज मैं आगे समझाऊंगा जब मैं लीव्स को बताऊंगा, और बाकी मैंने आपको जो बच्चों को मैंने पढ़ा रखा है वो सब वीडियो लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड है, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। चलो बेटा तो स्टार्ट करते हैं कहानी को हम। मैंने आपको समरी समझा दी मोटी मोटी सारी चीज, अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से कहानी, थोड़ा सा आगे बढ़ना शुरू। सबसे पहले हम लिख लेते हैं मॉर्फोलॉजी क्या है बेटा। सबसे पहले तो राइट डाउन मॉर्फोलॉजी देख लेते हैं। ऑब्वियसली जब मॉर्फोलॉजी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो मॉर्फोलॉजी की डेफिनेशन भी आनी चाहिए। राइट डाउन मॉर्फोलॉजी क्या होती है, लिखो, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म्स। एक्सटर्नल फॉर्म्स, फॉर्म्स का मतलब बेटा कैरेक्टर्स, ठीक है। एक्सटर्नल फॉर्म of an organism, ठीक है, किसी भी लिव organism, organism क्या है, that is living। तो किसी भी living की जब आप external form यानी उसके external character, उसके external appearance को देख रहे हैं, वो कैसा लग रहा है देखने में, उसके base पे आप बता रहे हैं, that is वो क्या है, उसकी morphology है। सबसे पहली चीज ये हो गई इसकी definition। अब आ जाओ now next point पे। हम लोग यहाँ फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करें तो फ्लावरिंग प्लांट में क्या आ गए आपके, केवल एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म्स दैट इज फ्लावरिंग प्लांट। आर कैरेक्टराइज्ड बाय characterized by presence of angiosperms mein kya kya hai, that is roots, presence of roots, stem, leaves, flowers, fruits, फ्लावर, फ्रूट्स एंड अडेप्टेशन। एंड अडेप्टेशन यानी कि एंजियोस्पर्म के अंदर क्या क्या बेटा, रूट, स्टेम, लीफ, तो बाकी जिम्नोस्पर्म में भी थी और टेरिडोफाइट में भी थी,
लेकिन फ्लावर ऑफ फ्रूट उनमें नहीं थे. फ्लावर ऑफ फ्रूट एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर आ गया और साथ के साथ में क्या आ गया बेटा, दैट इज अडेप्टेशन. मैंने अभी बताया था एंजियोस्पर्म बहुत ज्यादा अडेप्टेशन शो करते हैं, राइट. जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चों, मैंने आपको बताया था लीव्स के बारे में जब प्लांट किंगडम पढ़ रहे थे, मैंने वहां एक चीज बताई थी कि जैसे लीव्स जो होती है प्लांट्स की, जैसे मैंने कोई प्लांट है और इस प्लांट को मैंने एक ऐसे एरिया में ग्रो कराया जहां पर कि पानी बहुत था, जहां वाटर बहुत ज्यादा है, तो इस प्लांट की यहाँ लीव कैसे हो जाएगी, एक्सपेंड. याद आया कुछ? बड़ा होगा. बड़ा हो जाएगा, लीव एक्सपेंड हो जाएंगी. क्यों? क्योंकि बेटा पानी बहुत है यहाँ पे, पानी की कमी नहीं है. जब पानी की कमी नहीं है तो बेटा ट्रांसपिरेशन भी बहुत हो रहा है, आराम से ट्रांसपिरेशन करेंगे. स्टोमेटा खुले हुए हैं, आराम से पानी भी जा रहा है और ये पानी भी ले रहे हैं, ठीक है. लीव कैसे हो गई, इनकी एक्सपेंड हो गई, राइट. अब मैंने सेम प्लांट को, इसी सेम प्लांट को मैंने एक ऐसे प्लांट एरिया में ग्रो कराया जहां पर कि क्या था, आपका पानी कम था. याद आई ये वाली बात? यस सर. है ना, इसलिए मैंने कहा था कि मैं प्लांट को कराऊंगा, क्योंकि प्लांट में अभी हमने बहुत सारी चीजें पहले पढ़ चुके हैं, तो आप अभी बहुत आसानी से रिलेट कर लोगे इन चीजों को. एनिमल किंगडम पढ़ा देता बीच में तो ये चीजें स्किप हो जाती है फिर बेटा, फिर रिलेट करने में थोड़ी दिक्कत होती है आप सबको. तो अब इसी प्लांट को मैंने एक ऐसे एरिया में ग्रो कराया जहां क्या था, पानी कम था, तो इसकी लीव कैसे हो जाएगी यहाँ पे बेटा, श्रिंक. श्रिंक बोले तो सिकुड़ जाएगी यहाँ पे. यहाँ लीव एक्सपेंड हो रही थी और यहाँ लीव कैसे हो गई, इसकी श्रिंक सिकुड़ गई. क्यों? क्योंकि पानी की कमी है. अब पानी की कमी है तो इसको पानी बचाना है, और पानी बचाना है तो इसने अपनी लीव का सरफेस एरिया कम कर दिया ताकि ज्यादा ट्रांसपिरेशन ना हो, ज्यादा पानी लॉस में ना हो. क्लियर बात मेरी सपना, चंदा, मुस्कान बेटा? यस सर. सपना बेटा ये बात समझ में आई? गुड. मुस्कान बेटे? बेटा ठीक है. बेटा अगर मैं आपसे पूछू ना कोई बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, तो आप थम्सअप भी कर सकते हो. आप लोग थम्सअप करते करो, बार बार माइक ऑन करते हो फिर ऑफ करते हो ना. हाँ, कोई क्वेश्चन पूछ रहा हूँ देन यू हैव टू गिव आंसर, तो आप माइक ऑन कर लें अपना. चलो तो अब आ जाओ बच्चों. नाउ अब आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी कि आपके एंजियोस्पर्म जो प्लांट होते हैं बेटा, एडेप्टेशन कितना शो कर रहे हैं. दे शो मोर एडेप्टेशन एज कम्पेयर टू जिम्नोस्पर्म टाइटोफाइट्स, तो इसलिए सबसे ज्यादा डेवलप. क्लियर? अब आ जाते हैं, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. सबसे पहले बात करते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या क्या पार्ट्स थे. हमने अभी देख लिए मेन, राइट डाउन हेडिंग मेन पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट. पार्ट्स देखो बेटा, इसमें क्या क्या आ गया आप समझना. इसमें बेटा दो ही चीजें आपकी सबसे मेन आती हैं. अभी हमने देखा था फ्लावरिंग प्लांट के डायग्राम में कौन से सिस्टम, दो सिस्टम बताए थे मैंने कि नहीं बताए थे? यस सर. कौन कौन से थे बेटा? रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम. वेरी गुड. तो एक हो गया आपका रूट सिस्टम और दूसरा आपका हो गया शूट सिस्टम. ये अभी हमने डायग्राम में देख लिया द शूट सिस्टम. ठीक है बेटा, स्टार्टिंग हम कहां से करेंगे? रूट से करेंगे, बेस से, नीचे से पढ़ना स्टार्ट करेंगे प्लांट. देखो प्लांट को, और अगर हम बॉटनी की बात करें और जूलॉजी की बात करें, एनिमल्स की बात करें, तो एनिमल्स को पढ़ना ज्यादा इजी होता है. आपको एनिमल पढ़ने, जूलॉजी पढ़ने में ज्यादा मजा आता है. आएगा कि नहीं आएगा? थोड़ा इंटरेस्ट ज्यादा बनेगा जूलॉजी में. बॉटनी में थोड़ा सा कम हो जाता है इंटरेस्ट बच्चों का. क्यों होता है, रीजन जानते हो? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, जब हम किसी एनिमल के बारे में पढ़ रहे हैं, लाइक जैसे कॉकरोच के बारे में पढ़ना शुरू किया या फिर अर्थवॉर्म के बारे में पढ़ना शुरू किया, किसी एनिमल के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं, तो हमने वो एनिमल देखा होता है. कॉकरोच के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें पता है कि कॉकरोच हमने देखा हुआ है. ठीक है, अर्थवॉर्म के बारे में पढ़ रहे हैं, अर्थवॉर्म हमने देखा हुआ है. ठीक है, तो आप जब एनिमल के बारे में पढ़ रहे होते हैं तो ज्यादातर एनिमल्स आपने देखे हुए हैं, तो आप बहुत आसानी से रिलेट करते हो, उस पिक्चर को बना लेते हो कि हाँ ये मेरा एनिमल मैंने देखा हुआ है, इसमें ऐसा ऐसा है, तो आपको वो ज्यादा इजीली ध्यान होता है. प्लांट्स में ऐसा नहीं हो पाता बेटा. बहुत से प्लांट्स ऐसे आएंगे एनसीईआरटी में आपके, जो नाम आपने पहली बार सुनोगे, जो आपने जिंदगी में कभी नहीं देखे होंगे, तो इसलिए रिलेट करना थोड़ा सा दिक्कत करता है. तो हम कोशिश ये करेंगे यहाँ पे कि हर एक प्लांट के जो जो जिसके बारे में हम डिस्कस करें, उन प्लांट्स का हम डायग्राम लेके चलें, ताकि आप ज्यादा आसानी से उसको रिलेट कर सको, ज्यादा आसानी से समझ सको. मॉर्फोलॉजी बहुत ईजी है, लेकिन इसमें बस जो दिक्कत आती है ना बेटा, वो नाम याद रखने में, एग्जाम्पल याद रखने में आती है. क्यों? क्योंकि हमने वो प्लांट देखे ही नहीं होते लाइफ,
सो दैट्स व्हाई हम वो डायग्राम और उन नामों को याद रखेंगे तो आपको पूरी मॉर्फोलॉजी समझ में आएगी बहुत अच्छे से। अब जैसे रूट सिस्टम और शूट सिस्टम मैंने अभी बताया, तो मैंने ये डायग्राम में आपको समझा दिया है पूरा, आपको मैंने डायग्राम में समझा दिया, तो अब आपको ये चीज ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगी कि हाँ रूट सिस्टम कैसा होता है, शूट सिस्टम कैसा होता है, क्योंकि आपने वो पिक्चर देख ली, आपने उसको विजुलाइज कर लिया। लेकिन अगर मैं वो डायग्राम ना दिखाता और आपको डायरेक्टली ये रूट सिस्टम शूट सिस्टम बताना शुरू करूं, तो फिर विजुलाइज करने में थोड़ा सा दिक्कत करते हैं आपको भी थोड़ी प्रॉब्लम आती कि क्या चीजें आ रही हैं, राइट? लाइक मैं नोड बता रहा होता, इंटर नोड बता रहा होता तो नहीं समझ में आते ऐसे आप। लेकिन अब आपने पिक्चर देख लिए तो अब आप बता सकते हो कि नोड कहाँ पर होता है, इंटर नोड क्या होती है, लेटरल बड क्या है, एपिकल बड क्या है, यू कैन से ऑल दीज थिंग, राइट बच्चों? सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ? तो आप लोग इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। अब हम लोग यहाँ पे डायग्राम लेते हुए चले। अब जैसे पहले हम बात कर रहे हैं रूट सिस्टम, तो बेटा सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम रूट सिस्टम से। आप द रूट सिस्टम हेडिंग डालो आप लोग, द रूट सिस्टम। अब रूट सिस्टम में बेटा आपका सबसे पहला पॉइंट दैट दे शो पॉजिटिव जियोट्रॉपिक, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक एंड नेगेटिव फोटोट्रॉपिक। बेटा इस लाइन का मतलब बता सकता है कोई मुझे बच्चा? दे शो पॉजिटिव जियोट्रॉपिक एंड नेगेटिव फोटोट्रॉपिक, कोई बच्चा मुझे इस लाइन का मतलब बता सकता है? पॉजिटिव जियोट्रॉपिक मतलब अर्थ के नीचे, अर्थ यानी ग्रेविटी की डायरेक्शन है ना, अर्थ के नीचे यानी ग्रेविटी की डायरेक्शन, गुड बेटा। एंड नेगेटिव का बच्चे, नेगेटिव फोटोट्रॉपिक का मतलब सपना बेटा, एनी आइडिया? नेगेटिव फोटोट्रॉपिक क्या? मुस्कान बेटा, एचपी बेटा, आप भी स्टूडेंट हो क्या? आपका नाम क्या है? एनीवन बच्चों? पॉजिटिव जियोट्रॉपिक दैट इज अर्थ की तरफ यानी कि अर्थ के नीचे यानी कि ग्रेविटी की तरफ। फोटोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है? फोटोट्रॉपिक, चलो थोड़ा सा टेंथ में चलते हैं, हल्का सा समझ में आएगा। टेंथ क्लास में आप लोगों ने वही सी सेम जो मैं अभी बता रहा हूँ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा था तो नाम तो देखा ही होगा कि हाँ भाई हमने नाम देखा है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आपके ट्रॉपिक मूवमेंट्स थे, उसमें एक था जियोट्रॉपिज्म, एक था फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म का मतलब होता है बेटा, फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट की तरफ, लाइट। फोटो का मतलब क्या होता है? दैट इज सनलाइट। और ट्रॉपिज का मतलब दैट इज अ मूवमेंट, यानी कि दैट इज प्लांट के वो पार्ट जो सनलाइट की तरफ मूवमेंट शो करते हैं, मींस वो क्या शो कर रहे हैं? फोटोट्रॉपिज्म शो कर रहे हैं, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज, दे शो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज। बात समझ में आई सपना मुस्कान? जो प्लांट के पार्ट सनलाइट की डायरेक्शन में अपना मूवमेंट शो करते हैं, सनलाइट की डायरेक्शन की तरफ अपना मूवमेंट शो कर रहे हैं, दे आर शोइंग द पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज, राइट? ऐसे ही जियोट्रॉपिज, जियोट्रॉपिज, जियो का मतलब हुआ बेटा दैट इज अर्थ, जियो का मतलब हुआ बेटा आपका अर्थ, और यहां बात हमारी है ग्रेविटी से, यानी प्लांट के वो पार्ट जो अर्थ की डायरेक्शन में बोले तो ग्रेविटी की तरफ अपना मूवमेंट शो करते हैं, दे शो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज। मुस्कान, चंद, सपना एंड एचपी बेटा, ये बात समझ में आई आपको? अब फिर से समझाओ, अदरवाइज आपकी रूट समझना, आपकी रूट हमेशा बेटा मुस्कान किधर ग्रो करती है? ओके बेटा, गुड। सपना बेटा, आपकी रूट्स जो होती हैं किधर ग्रो करती हैं? जमीन के अंदर की तरफ ग्रो कर रही होती है या जमीन से बाहर की तरफ ग्रो करती हैं? जमीन के अंदर, अंदर करती है ना, तो दे आर शोइंग द पॉजिटिव जियोट्रॉपिक, यानी अर्थ की डायरेक्शन में, ग्रेविटी की डायरेक्शन में अपना मूवमेंट शो कर रही है रूट्स। इसलिए मैंने क्या लिखा, रूट कैसी है? दे शो पॉजिटिव जियोट्रॉपिक, यानी they are showing their movement towards the earth, towards the gravity. और जब वो gravity यानी earth के अंदर grow कर रही है तो क्या sunlight के opposite grow कर रही है ना, क्यों कर रही? They are showing their movement opposite to the sunlight direction.
सनलाइट के ऊपर से आ रही है, वो उसके अपोजिट ग्रो कर रही है, तो इसलिए कैसी हो गई? नेगेटिव फोटोट्रॉपिक हो गई। क्लियर बात ये वाली? सपना, मुस्कान, एसपी बेटा, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके गुड बेटा, सपना, मुस्कान, बच्चे आपको भी हो गई ना क्लियर? चलो अब आ जाओ नाउ नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज दीज आर जनरलाइज्ड केस, जनरलाइज्ड केस, दीज आर जनरलाइज्ड केस। जनरलाइज्ड केस का मतलब ऐसा नहीं है बेटा कि सारी की सारी रूट्स जो हैं वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट ही शो करेंगे। कुछ ऐसी एडवांस मॉडिफाइड रूट्स भी होती हैं जो नेगेटिव जियोट्रॉपी शो करती है, यानी कि सन अर्थ के बाहर, यानी अपोजिट द ग्रेविटी वो अपना मूवमेंट शो करती है। कुछ ऐसी मॉडिफाइड रूट्स भी होती हैं। नॉर्मली आपकी सारी रूट्स जो होंगी आपकी कैसे शो करेंगी वो अपना मूवमेंट? जियोट्रॉपिक मूवमेंट शो करेंगी, यानी ग्रेविटी की तरफ ही अपना मूवमेंट शो करेंगी। लेकिन कुछ ऐसी भी होती हैं रूट्स, मॉडिफाइड रूट बोलते हैं जिन्हें हम, जो आपके जियोट्रॉपिक मूवमेंट शो नहीं करती, वो जियोट्रॉपिक के अपोजिट डायरेक्शन में ग्रो करती है। समझे इस वाली बात को? इसलिए मैंने क्या लिखा, दीज आर जनरलाइज्ड केस। जनरलाइज्ड का मतलब दैट इज नॉर्मल केस है, ये हर एक नहीं शो करेगा। जैसे कि अगर मैं एक बात करूं, अलग से बता रहा हूं, ये चीज आगे आएगी, आगे जब मैं रूट्स को बताऊंगा ना, मॉडिफाइड रूट्स के पार्ट बताऊंगा, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स, तो वहां ये चीज आएंगी। जैसे एग्जांपल की बात करूं मैं आपसे, एक होती है रूट्स दैट इज न्यूमेटाफोर्स, न्यूमेटाफोर्स, ये कुछ, ये आपके जो प्लांट्स जो मार्शी एरिया में मिलते हैं ना, दलदल वाले इलाकों में मिलते हैं, वहां पे ये उन प्लांट्स के अंदर क्या होती है, मैनग्रोव्स। जैसे ये प्लांट होता है मैनग्रोव्स, ये प्लांट जो होता है बेटा आपके समुद्र के किनारे या मार्शी एरिया में मिलता है, दे आर फाउंड इन अ मार्शी एरिया या समुद्र के किनारे मिले। और इनमें जो होता है बच्चों, इनकी रूट्स जो होती हैं वो पानी से बाहर की तरफ, यानी ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में अपना मूवमेंट शो करती है। यानी नॉर्मली जो आपकी रूट्स थी जमीन के अंदर जा रही थी, ये जमीन से बाहर आती है ऑक्सीजन लेने के लिए, क्योंकि पानी के अंदर क्या होता है, ये दलदल वाले इलाकों में रहती है, तो वहां अंदर इनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, इसलिए ये रूट्स कहाँ आती है, बाहर की तरफ आती है। लेट मी शो यू मैनग्रोव्स, let marshy plants, marshy plants, ये देखो बेटा, ये marshy plants है जो मैं आपको दिखा रहा हूं, मेट्रो, ये देखो बेटा, इसको देख के ज्यादा सॉ, ये न्यूमेटाफोर्स है जो मैं आपको मेन ग्रुप्स की बता रहा था ना नाम, ये अब आपको देख के थोड़ा सा और समझ में आएगा। मैं कहता हूं यहाँ डायग्राम देखते हुए चलोगे ना तो ज्यादा बेटर तरीके से रिलेट कर पाओगे। अब ये जो प्लांट्स हैं बेटा, ये मेन ग्रुप्स है, दीज आर द मेन ग्रुप। डायग्राम दिख रहा है बेटा आप सभी को? चंदा, मुस्कान, सपना बेटा, सभी को दिख रहा है? एसपी बच्चे, इस प्लांट पे देखो, ये आपको जो स्ट्रक्चर दिख रही है ना, ये स्टेम जैसी स्ट्रक्चर्स, एक्चुअल में ये रूट्स हैं जो जमीन से बाहर की तरफ आ रही हैं। हमने अभी क्या देखा था, हमने देखा था कि रूट्स आपके पॉजिटिव जियोट्रॉपिक होती हैं, यानी जमीन के अंदर ग्रो करती हैं। लेकिन यहाँ कुछ ऐसी रूट्स भी हैं जो जमीन से बाहर की ओर आती है, जिनको हम न्यूमेटाफोर्स बोलते हैं, विच आर कॉल्ड न्यूमेटाफोर्स। जमीन से बाहर क्यों आ रही है, क्योंकि बेटा ये जिस एरिया में ग्रो कर रही है, जैसे ये देखते हो ना, जूम करके दिखाऊं तो मैं आपको, ये जिस एरिया में देख रहे हो, ये भी रूट्स हैं, दीज आर द रूट्स, ये भी रूट ही है, ये जिस एरिया में ग्रो कर रही है बेटा, ये एरिया आपका ऐसा एरिया है जहां पानी में या जमीन के नीचे ऑक्सीजन की कमी है बहुत, और इनको ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है, तो इसलिए ये ऑक्सीजन के लिए क्या करती है, जमीन से बाहर आ जाती है ताकि प्रॉपर अमाउंट पर ऑक्सीजन ले सके। तो अब आपको समझ में आ गया कि मैंने वो जो पॉइंट लिखवाया, दीज आर जनरलाइज्ड केस, क्यों लिखवाया? यस सर।
छोटा सा पॉइंट है लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस बहुत है बेटा, ये है एक कॉमन पॉइंट लेकिन इंपॉर्टेंस बहुत है। इसके बारे में मैं आपको डिटेलिंग में बताऊंगा जब हम मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे रूट का, ठीक है। यहां मैंने आपको आइडिया समझा दिया, अब आ जाते हैं नाउ कंप्यूटर नेक्स्ट पॉइंट आपका, रूट्स होती क्या है, नेक्स्ट पॉइंट राइट डाउन रूट्स, दीज आर द अंडरग्राउंड पार्ट, दीज आर द अंडरग्राउंड पार्ट दैट इज फॉर्म्ड, किससे बनता है बेटा रूट आपका, रेडिकल, वेरी गुड, दैट इज फॉर्म्ड फ्रॉम रेडिकल, इसको मार्क करोगे अगेन, जहां जहां रेडिकल आएगा मार्क करते हुए चलना, याद रखना इस बात को बेटा, आज इस क्लास से जब जा रहे हो तो ये रेडिकल और प्यूपल वाली चीज तो याद रख जाना, नोड इंटर नोड क्या होते हैं, वर्ड्स क्या हैं, रेडिकल क्या है, प्लूमूल क्या है, ये चीजें याद करते हुए जाना है इस क्लास में से आज। दीज आर द अंडरग्राउंड पार्ट दैट इज फॉर्म्ड फ्रॉम रेडिकल ऑफ एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो यहां इसलिए लिख दिया बेटा, एम्ब्रियो से क्या बनेगा, एम्ब्रियो से सीड ही तो बनेगा, फर्टिलाइजेशन में हमने देखा था ना, हमने जब रिप्रोडक्शन देखा था एंजियोस्पर्म्स का, वहां पे मेल और फीमेल गैमेट्स थे, माइक्रोस्पोर मेगास्पोर्स, वो उनसे पॉलिन ग्रेन बनता था मेल गैमेटोफाइट, और मेगास्पोर से बनता था फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक, पॉलिन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट्स थे, एम्ब्रियो सैक के अंदर आपके क्या थे, फीमेल गैमेट्स, तो दोनों जब फ्यूज करते थे तो क्या बनाता था आपका ओव्यूल से, आपका जो ओव्यूल था दैट इज एग सेल थी, उससे बनता था जायगोट, जायगोट से बनता था एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से बनता था सीड, राइट। इस चीज को यहाँ डायरेक्टली लिख दिया ऑफ द सीड, दिस इज बच्चों राइट। तो ये क्या होती है आपके रूट्स, दीज आर द अंडरग्राउंड पार्ट दैट इज फॉर्म फ्रॉम रेडिकल ऑफ एम्ब्रियो दैट इज सी। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, आपका क्या है, टाइप्स ऑफ रूट, टाइप्स ऑफ रूट। तो देखिए बेटा तीन तरह की रूट्स होती हैं, राइट डाउन दीज नेम्स, फर्स्ट दैट इज टैप रूट, अभी मैंने जो डायग्राम दिखाया था वो टैप रूट का था, जिसमें एक मोटी सी रूट है प्राइमरी रूट, उस प्राइमरी रूट से और छोटी छोटी रूट्स डेवलप हो रही है, दैट इज कॉल्ड लेटरल रूट्स या सेकेंडरी रूट्स, तो वो थी आपकी टैप रूट। दूसरी होती है फाइब्रस, ये वाले टर्म्स याद है ना, मैंने एंजियोस्पर्म का जब प्लांट किंगडम में डिस्कशन कर रहा था तो वहां बताए थे, टैप रूट किसमें प्रेजेंट होती थी बेटा, डाइकॉट में कि मोनोकॉट में, डाइकॉट, वेरी गुड बेटा आपके, और फाइब्रस में किसमें थी, मोनोकॉट में, मोनोकॉट, मैंने आपको बना के दिखाए थे टैप रूट के और फाइब्रस रूट के, याद है ना चंदा, मुस्कान बच्चों, यस सर, मुस्कान बेटा आपको याद है ना, यस सर, गुड। तो आपके टैप रूट, फाइब्रस रूट और एडवेंटिशियस रूट, ये तीन तरह की रूट्स होती है, टैप रूट, फाइब्रस रूट, मैंने आपको एंजियोस्पर्म का जब जनरलाइजेशन पढ़ रहे थे उसके प्लांट किंगडम में हम लोग, तो वहां मैंने बताया था, अगेन आई विल रिपीट, एडवेंटिशियस रूट थोड़ा अलग होती है बेटा, इन्हीं में एडवेंटिशियस रूट में से क्वेश्चन बहुत बनते हैं नीट में, तो वो मैं आपको अलग बताऊं, जैसे मैंने अभी ये वाली रूट बताया ना न्यूमेटाफोर्स, ये एडवेंटिशियस रूट है, ये मॉडिफाइड है, कुछ थोड़ा अलग है ये, ठीक है। एडवेंटिशियस रूट ऐसी होती है जो रेडिकल से डेवलप नहीं होती, ये प्लांट के किसी भी पार्ट से डेवलप हो जाएंगी रेडिकल को छोड़ के, आपकी टैप रूट, फाइब्रस रूट तो रेडिकल से डेवलप हो रही थी, लेकिन एडवेंटिशियस रूट रेडिकल से डेवलप नहीं होती, ये और किसी पार्ट से डेवलप होंगी, जैसे आपने बरगद देखा है, बरगद, यस सर, सपना बेटा आपने देखा है ना बरगद, मुस्कान एसपी बच्चों आप लोगों ने देखा है ना सभी ने, तो बरगद में आपने देखा है ना उसकी ब्रांचेस में ऐसे कुछ टहनिया जैसी लटक रही होती हैं, यस सर, वो एक्चुअल में टहनिया नहीं है, वो उसकी रूट है जो उस बरगद को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रही है, तो वो रूट किस में आ गई, इसकी एडवेंटिशियस रूट में आ गई। तो ये सारी चीजें हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, आज मैंने जो इसका कॉमन इंट्रोडक्शन समझाया बेटा, ये चीज समझ में आ गई सारी आज आपको, यस सर, ठीक है बच्चों आज